नमस्कार, आप देख रहे हैं ASR टुडे। मैं हूं आकाश सिंह रावत आपके साथ। बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस वेबसाइट से आप अपने रिजल्ट को सबसे पहले देख सकते हैं। जी हां, समय से पहले जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट, और उसके लिए लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। इस वीडियो के जरिए आपको 100% सही जानकारी दे रहे हैं। आप अपना रिजल्ट सबसे पहले चेक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे रिजल्ट जारी होता है उसके बाद से कई वेबसाइटें क्रैश कर जाती है, जिसकी वजह से आप अपना रिजल्ट सबसे पहले चेक नहीं कर पाते हैं। तो समय से पहले रिजल्ट जारी किया गया, इसका हम लाइव प्रूफ आपको इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। और आप अपने रोल नंबर भी नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और मैं ये कामना करता हूँ कि आप सभी का रिजल्ट बहुत ही बेहतर हो। और जो भी लोग अपने रिजल्ट को चेक कर लेंगे तो नीचे कमेंट में अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। तो समय से पहले रिजल्ट जारी किया गया है, इस वेबसाइट पे ही आपको रिजल्ट सबसे पहले चेक करना है। तो उस वेबसाइट पे जाने के लिए क्या कुछ आपको अपनाना है रूल, इसको आप वीडियो को पूरे अंत तक देख करके फॉलो कीजिएगा। जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बिहार एजुकेशन से जुड़ा हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, इन स्टेप को फॉलो करना है। तो सबसे पहले गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है www, उसके बाद लिखना है जनदूत, स्पेलिंग याद रखिएगा jandoot.news.in, ये आपको गूगल पे लिख करके सर्च करना है, ठीक है। www.jandoot.news.in जैसे सर्च कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा जनदूत न्यूज़ का ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको इस पर फिर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके रिजल्ट के बारे में ट्रेंडिंग नाउ पे आपको ये दिखा रहा होगा यहाँ पे, या फिर नीचे आ जाइएगा, या फिर शिक्षा के यहाँ पे कैटेगरी बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, या बिहार का कीजिएगा। तो जिस पर भी आपको करना है तो आप शिक्षा पर कर दीजिए क्लिक। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आ जाना है, और आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए आपके शिक्षा से जुड़ा जो आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ से चेक होगा। तो बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2021 यहाँ से देखे रिजल्ट अपना, इस पर कर देना है क्लिक। आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे, वीडियो में कहीं भी पॉज नहीं किया जाएगा, कहीं भी कटिंग नहीं किया गया है, और लाइव आप देख सकते हैं। लेकिन जो स्टेप बताया जा रहा है उसी स्टेप को फॉलो करके आपको रिजल्ट चेक करना है। तो बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट के बारे में यहाँ पर आपको आ जाना है नीचे सबसे पहले, और यहाँ पर देखिए आपका जो रिजल्ट है, हालाँकि इसका टाइम 3 बजे दिया गया था, लेकिन पहले समय से पहले आपका एक्टिव दिया गया है, तो आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है समय के बाद जो आपका दिया रहता है, तो उसमें छात्र इंतजार करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आता है, वेबसाइट क्रैक कर जाता है। तो यहां पे देखिए समय से पहले रिजल्ट आपका, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, और ये देख सकते हैं ऑफिशियली है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट 2021, ऐसा नहीं कि आपको 2020 का दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है रोल कोड, रोल नंबर, और ये जो आपको 13+8 फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर व्यू रिजल्ट पर क्लिक करना है। रिजल्ट देखने के बाद अगर आप चाहेंगे कि नहीं दोबारा से किसी और का रिजल्ट देखना है, तो फिर रीसेट पर दबा करके रिजल्ट देख सकते हैं। 2-3 बार आपको ओपन करके दिखाता है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए आपको कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करके। क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये खुल गया, ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट को भी विजिट करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखेगा, और ये व्यू रिजल्ट पे आपको कर देना है क्लिक। तो ये बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताया जा रहा है, और कैसे आपको पहुँचना है दोबारा से बता देते हैं। आपको सिंपली सर्च करना है www, उसके बाद .jandoot.news.in, ये आपको कर लेना है सर्च। इसको सर्च करने के बाद आपको जैसे आप इसको सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, और खुलने के बाद आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आएगा क्या कुछ। और उसके बाद जैसे खुलेगा आपको आ जाना जहां पे आपको दिखेगा बिहार बोर्ड रिजल्ट वाला लिंक, तो वहां पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक कीजिएगा फिर से इंटरफेस वही खुल गया, और यहाँ पर आ जाना है क्लिक पे, करना है क्लिक, और समय से पहले आया तो यहाँ पे देख क्लिक पे आपको क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक कर लेना है। और ये देखिए आपका फिर यहाँ पे खुल जाएगा, और ये खुलने के बाद आप देख सकते हैं क्लियरली आपको दिख रहा होगा आपका रिजल्ट यहाँ से चेक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो प्रोसेस बताया गया आप उस प्रोसेस को फॉलो करके ही चेक करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने रोल नंबर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपके रोल नंबर के अनुसार आपके रिजल्ट को चेक करके अगले वीडियो में आपको जानकारी दिया जाए, तो ऐसा ना हो कि फिर से वेबसाइट क्रैश कर जाए और आप देर हो जाए। इसलिए आप अपना रिजल्ट देखने के साथ साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को देख पाए। और ये कहीं भी कोई वीडियो में किसी प्रकार से कटिंग नहीं है, ये एक वेबसाइट है। आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कॉपी वगैरह का ऑप्शन देगा, एक दब दबाएंगे देखिए ये वेबसाइट है, ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा ये इमेज है, ठीक है, ये वेबसाइट का ही है। और यहाँ पर ही डालने की वजह से मैं कुछ गलत डालता हूँ, ठीक है, और कुछ गलत डालने के बाद
यहाँ पे मैं करता हूँ व्यू पे, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि नो रोल नंबर इज़ रिक्वायर्ड, ओके इस तरह से कर रहा है। तो आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और आपको हर अपडेट दिया जाएगा इस चैनल के जरिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।